नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ लता और मेरे चैनल लता द फूड स्टार में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे ब्रेड पनीर चीज़। बहुत ही कम सामग्री यूज़ करेंगे और टेस्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। तो जब बच्चे ज़िद करें तो फटाफट से आप उन्हें घर पे बना के ये खिलाइए, आई एम श्योर उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, अगर आपके पास बड़े ब्रेड है तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास स्मॉल साइज ब्रेड है। अब हम क्या करेंगे कि ब्रेड की एक साइड को कट कर लेंगे। तो दोनों ब्रेड की एक एक साइड में कट कर लूँगी इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ, और हम इसे इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के जॉइंट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पानी ले लिया है, पानी को थोड़ा सा इस पे रखिए और हाथों से अपने इसे प्रेस करते हुए हम इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ब्रेड को बेक करने के लिए हम यहाँ पे पैन ले लेंगे, उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये प्री हीट होता है तब तक हम अपना ब्रेड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेड लिया था उस पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, आप चाहे तो केचप भी लगा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। फिर इस पे मैं रख रही हूँ पनीर, आप चाहे तो पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास जो पनीर थी वो थोड़ी सॉफ्ट थी तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से इस पे रखा है। अब हम इस पे थोड़ा सा कॉर्न रख देंगे, आप अपने पसंद से कोई भी टॉपिंग्स ले सकते हैं, शिमला मिर्च या अनियन कुछ भी। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया रख रही हूँ और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बारीक कटा हुआ बंद गोभी। यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज। आप अपनी पसंद से कोई भी टॉपिंग्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यदि आपको कोई टॉपिंग्स पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चीज़ ग्रेट कर दूंगी, तो मैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी आप ले सकते हैं या फिर जो चीज़ के स्लाइसेस आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। तो बस अब हम यहाँ पे थोड़े से और टॉपिंग्स रख देंगे। तो मैं यहाँ पे कॉर्न रख रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी टॉपिंग्स रख सकते हैं, हम इसे गार्निश करने के लिए रख रहे हैं ये। तो बस अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो हमने प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रखा हुआ है। अब मैं प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, नहीं तो जो ब्रेड है वो इसमें पूरा चिपक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। अब हम ब्रेड को इस पे ट्रांसफ़र कर देंगे। संभाल के कीजिएगा क्योंकि हमने बीच में जॉइंट किया है तो ये टूट भी सकता है। तो बस अब इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई है वो प्री हीट हो चुकी है। अब मैंने इसमें इस तरीके का एक स्टैंड रख दिया है, अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी ले सकते हैं। कटोरी लेना ज़रूरी है क्योंकि हमें जो सॉल्ट है उसकी हाइट बढ़ानी है, नहीं तो जो पिज़्ज़ा है वो थोड़ा जला सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को रख दिया है, अब इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। यदि आप चाहे तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं, तवे पर आप ऑयल लगा लें और ब्रेड को उस पर रख दीजिए और ढक्कन लगा के आप उसे पका लीजिए जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट के बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया, चीज़ मेल्ट हो चुकी है हमारी और जो ब्रेड चीज़ पनीर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और सेम प्लेट में मैं दूसरा रख देती हूँ। आप देख सकते हैं चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैंने लास्ट में इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो स्प्रेड कर दिया था, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने दूसरा ब्रेड रख दिया, अब उसे भी मैं 5 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये भी रेडी है। इस पे मैंने थोड़ी सी अलग टॉपिंग्स लिए थे, लास्ट में मैंने इसके ऊपर कॉर्न, थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दिया था मैंने, रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। तो ये भी रेडी है। अब हम चलते हैं इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। और अब ये जो सॉल्ट बचा है कढ़ाई में, हम इसे रख देंगे किसी कंटेनर में बंद करके और इसे खाने में यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे नेक्स्ट टाइम कुछ बेक करने के लिए यूज़ करेंगे। हमारा ब्रेड पनीर चीज़ रेडी है, आप इसे कट कीजिए, ग्रीन चटनी या केचप के साथ इसे इंजॉय कीजिए। पनीर और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है आपको बहुत पसंद आएगा, ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।